हार्ट डिजीज़ एक सबसे कॉमन बीमारी हो गई है, जिसके अंदर बीमारी के अंदर हार्ट ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज के लिए हमारे पास विकल्प बनते हैं बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी और भी ट्रीटमेंट हैं जो बिना सर्जरी ट्रीट किए जा सकते हैं। पर किसी को कार्डियोमायोपैथी, DCMP अगर हो जाए तो उस पर कोई विकल्प नहीं बनते हैं, सिर्फ मेडिसिन लेनी पड़ती है, जीवन भर चलना पड़ता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी DCMP के अंदर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। नॉर्मली हार्ट की पंपिंग हमारी 60% होती है और किसी की पंपिंग 10 से 15%, 20% हो जाता है, उस पर कोई विकल्प नहीं होते हैं कि वो बाईपास करा पाए, एंजियोप्लास्टी हो या और कोई ट्रीटमेंट हो। मैं PR मुकीम, डायरेक्टर सीवियम ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। हमारे सीवियम ट्रीटमेंट के अंदर ऐसे पेशेंट को भी ट्रीटमेंट किया जाता है जिनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। मैं एक हमारे पेशेंट हैं शकीना बेगम, जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट लिया, उनकी पंपिंग कैपेसिटी थी 12 से 15%। उनका मैं चाहता हूँ उनकी आवाज़ में आप सुने उनकी मन की बात कि उन्होंने यहाँ आकर के कैसा महसूस किया, उनके अंदर क्या फ़र्क आया। मैं हनीफ अहमद मुन्ने, ये मेरी बीवी सकीना बेगम। मैं सबसे पहले इनके इन्हें सांस की बीमारी हुई थी, सांस बहुत ज़्यादा हुई थी। तब मैंने इनका चेकअप कराया, चेकअप में इनके हार्ट प्रॉब्लम हुई। उस वक्त इनका इको कराया था तो 28% इनका आया। इसके बाद मैंने इलाज कराया, चार पांच जगह मैंने इलाज कराया, मगर वो हार्ट पंपिंग जो है वो कम होती गई। मैं जब यहाँ आया तब हार्ट पंपिंग 15 ही थी। इसके बाद मैंने यहाँ इलाज थेरेपी चली हमारी, और यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ना, इन्हें 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी परेशानी होती थी, और बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक लाया भी, बड़ी परेशानी उठाई, मगर इसके बाद यहाँ मुझे बहुत रिलीफ मिला इन्हें, और अब ये सीढ़ियाँ ही चढ़ कर आती हैं। अच्छा, और ये बतलाएंगी कैसा फील करती हैं। अच्छा फील कर रही हैं आपको? जोर से आप सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है? कितना चलती हो रोजाना? आधा किलोमीटर चलती हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चल कर आते हैं, कोई परेशानी नहीं हमें होती, अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। और इस मैंने जब ECP के बारे में सुना तो मैंने उसमें देखा तो मैं बरेली से हूँ, बरेली में भी ECP होता है, नोएडा में भी है, गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, मगर मुझे सबसे बेहतर जगह और पुरानी होने की वजह से ये लगी, जबकि मेरे ये मुझसे दूर हैं, मगर मैं यहीं आया। यहाँ जितना भी स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा। मुझे ऐसा ही लगा कि मैं यहाँ आ जाता, हॉस्पिटल में हूँ तो मुझे बिल्कुल ये लगता मैं अपने घर में हूँ। सभी अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे, बहुत बढ़िया लोग हैं, और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर किसी को भी हार्ट प्रॉब्लम हो, बजाय इधर उधर दिखलाने के, सीधे सेवा हार्ट सेंटर पर ही आए और यहाँ आकर थेरेपी लें, और आपको फ़ायदा होगा अच्छी तरीके से। हम बहुत खुश हैं यहाँ के स्टाफ से, और जितना ख्याल रखा हमारा, और बार बार रोज़ाना पूछना डॉक्टर साहब का, 3-3 डॉक्टर हैं, वो रोज़ाना पूछते भी हैं कि कैसा हाल है। मैं जब परिवार से अलग होकर आया यहाँ 40 दिन के लिए तो बहुत बुरा लगा था, और शुरू में परेशानी भी हुई, मगर विदाउट सर्जरी के जो काम हुआ है मेरा वो बहुत अच्छा हुआ। परिवार वालों से रोज़ाना हमारी फ़ोन पर बात होती, परिवार वाले हमारे बहुत खुश हैं। अब यहाँ से हम अपनी बीवी को ठीक करा कर ले जाते हैं, परिवार वाले हमारे बहुत खुश हैं और बहुत इंतजार कर रहे हैं।
हमारे बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं कि हमारी अम्मी ठीक हो कर आती। और मुझे कुछ नहीं कहना, आप लोग जिन्हें भी ये प्रॉब्लम हो हार्ट की, वो CMM से जयपुर कॉन्टेक्ट करें और उन्हें यहाँ हर तरीके की मदद मिलेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, इन लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। जैसा आपने अभी उनसे बात करी और जाना, उनके हस्बैंड से उनसे बात करी कि उनको कितना फ़र्क महसूस हुआ, क्या रिज़ल्ट आया। आज उनकी हार्ट की पंपिंग 25 से 30% हो गई, जब आए थे उनकी 12 से 15% हार्ट की पंपिंग थी और उनको 100 मीटर 100 कदम भी नहीं चल पाती थी, सांस भरता था। और हमारे यहाँ आने के बाद हमने ट्रीटमेंट दिया, हमारी डाइट दी, जिससे उनको बेनिफिट हुआ। आज की तारीख में वो 2 से 3 किलोमीटर करीब आधा पौन घंटा वो घूम रही हैं और एकदम नॉर्मल साधारण लाइफ व्यतीत कर रही हैं। शकीना बेगम 8-9 घंटे का सफ़र तय करके आए, यहाँ देखा समझा और हमारे परिवार सिवियो परिवार से जुड़ गई। उनको बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट दिया गया और उनको काफ़ी फायदा। नॉर्मली इतनी दूर आकर के ट्रीटमेंट लेना लोगों के लिए बहुत असंभव होता है, पर CVM के अंदर पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से पेशेंट आते हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कोई आसाम से आ रहा है, कोई चेन्नई से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है, ये बरेली से आए, इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और यहाँ पे जो उनको माहौल मिला वो उनकी जवानी आपने सुना कि कैसा लगा उनको। और हम यही चाहते हैं कि लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। इतनी दूर आके रहना लोगों के लिए बहुत टफ होता है, पर वो इस बात से जब आके मिल के गए थे हमारे यहाँ पहली बार, उनके बेटे से बात हुई तो उनको लगा कि नहीं, हमारे लिए सबसे बेस्ट विकल्प यही है कि हम यहाँ आ जाके ट्रीटमेंट लें, और उन्होंने लिया। यहाँ पे जब 40 दिन वो रहे, एक बहुत लंबा समय होता है अपना घर परिवार छोड़ के आना, उनको परिवार की याद भी आ रही थी। पर यहाँ पे जो CVM परिवार में उनको रहने का मौका मिला, यहाँ मेरे स्टाफ का इंटरेक्ट हुए, तो उनको इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। कभी लगता था कि हम जाएं कि बहुत हो गया, पर ट्रीटमेंट का फ़ायदा देख करके वो रुके रहे और पूरा ट्रीटमेंट करके ही हुआ। हमारे यहाँ पे पेशेंट को ECP ट्रीटमेंट दिया जाता है जो नेचुरल बाईपास कहलाता है, उससे हार्ट के अंदर नए कोलेटर्स डेवलप कर दिए जाते हैं। और इसके साथ हमारी इम्पोर्टेंट डाइट है, जो जीवन शैली का बदलाव है बहुत ज़रूरी है, जिससे भी हमारे हार्ट के अंदर नए कोलेटर्स डेवलप कर दिए जाते हैं और पेशेंट के हार्ट को मजबूत करके इम्प्रूव कर जाता है और उनकी मेडिसिन भी विड्रॉ करा दी जाती है। अभी वो एकदम नॉर्मल साधारण लाइफ व्यतीत कर रही हैं। ऐसे ये बहुत सारे केसेस हैं जो इस चीज़ से पीड़ित हैं और उनको विकल्प नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें और ऐसे लोगों को शेयर करें जिनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी बहुत कम हो और यहाँ CVM में आकर के इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। हमारा एक मकसद है हृदय रोग मुक्त भारत, ये मिशन हमारा तभी पूरा होगा जब इस मैसेज को आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँगे और लोग इस ट्रीटमेंट का मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।